प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना संक्रमण की बढ़ती चुनौतियों और आगामी त्योहारों के मद्देनजर कानून व्यवस्था की समीक्षा की। गोरखपुर के एनआईसी हॉल में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एडीजी जोन दावा शेरपा, मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर, डीआईजी रेंज राजेश डी मोदक, जिलाधिकारी के विजयन पांडियन, एसएसपी जोगिंदर सिंह, एडीएम फाइनेंस राजेश सिंह सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रत्येक जिलों में कमांड कॉमन सेंटर स्थापित किया जाए, जिससे कोरोना की मॉनिटरिंग की जा सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आने वाले त्योहारों में कानून व्यवस्था बेहतर बनाई जाए तथा कोरोना गाइडलाइन को पूरी तरह पालन कराया जाए। वो जब सब सारे ठीक निकले तो मैंने कहा होम आइसोलेशन ही रहूँगा चाहे जो। आज इतने कश्मीर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूँ। सभी चीज़ें इस समय चिंतित हैं, तो जिस चरण पर है इस समय कोविड में, आप देख रहे हैं कि कई जनपदों में काफ़ी संक्रमण है और कुछ जनपद ऐसे हैं जहाँ काफ़ी मृत्यु भी रोज रोज देखने को मिल रही है। तो इसमें जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की बात है या जो एक्टिव सर्विलेंस की बात है या जो सैम्पलिंग बढ़ाने की बात है, ये सारी बातें बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। और इन सभी के सेंट्रल पॉइंट में आपका कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है। जब आपका कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एक्टिवेट होगा बहुत ही ज़्यादा सक्रियता से कार्य करेगा। और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि प्रतिदिन जिलाधिकारी के स्तर पर जनपद में एक प्रातःकालीन बैठक हो जो किसी एक कोविड अस्पताल में हो, और शाम में एक बैठक हो जो कोविड कमांड सेंटर में, ताकि जो सर्वेलेंस का सैम्पलिंग का जो एस्पेक्ट है वो भी लगातार फोकस करें, और जो ट्रीटमेंट की क्वालिटी है डॉक्टर्स का वार्ड में जाना, डॉक्टर्स के द्वारा प्रॉपर ट्रीटमेंट देना, मरीजों को समय से दवा देना, मरीजों को उनका देखा जाना, उनकी पल्स ऑक्सीमेट्री होना इत्यादि, तो ट्रीटमेंट टेस्टिंग हर चीज़ पर जो आप प्रॉपर ध्यान देंगे तभी इसका संक्रमण पर नियंत्रण तभी हो पाएगा जब सारी गतिविधियाँ खुल गई। वैसी स्थिति में बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हम अपनी एक्टिविटी को और शार्प करें, सैम्पलिंग को और बढ़ाएं, पॉजिटिविटी रेट को हम कंट्रोल करें, और विशेष ध्यान दें कि जो इसके कारण से जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो अभी डिटेक्शन और ट्रीटमेंट के माध्यम से इसकी कॉम्प्लिकेशन को रोका जाए, ताकि लोगों की इससे जो भी प्रिवेंटेबल टेस्ट है वो बिल्कुल ना। तो वैश्विक महामारी कोविड 19 को ध्यान में रखकर के जनपद स्तर पर जो कार्य चल रहे हैं इसमें चर्चा करने के लिए, और दूसरा इस महीने जो पर्व और त्योहार आ रहे हैं उसके कारण कानून व्यवस्था स्थिति बनी रहे और शांति व्यवस्था बनी रहे, इस पर चर्चा करने के लिए हम लोग विशेष रूप से यहाँ पर बैठे हैं। पिछले 5 महीने से हम लोग लगातार कोविड 19 के खिलाफ रणनीति बनाने और जूझने में लगे हैं। जनपद स्तर पर और फील्ड में तैनात टीम ने काफी अच्छा इस पे काम भी किया है, और सारे जनपद इस मामले में बेहतर परिणाम भी दिए हैं। जिन जनपदों में टीम वर्क किया है और समय से शासन के निर्देशों का पालन किया है वहां पर बेहतर परिणाम भी सामने आए हैं। जिन जनपदों ने लापरवाही की है उन जनपदों के अंदर कुछ अभी कंट्रोल के बाहर भी दिखती है। हम लोगों ने बार बार आप लोगों से इस बारे में कहा है कि छुट्टी है, इसलिए स्वाभाविक रूप से लोगों के सामने समस्याएं भी हैं। संक्रमण तीव्र होने के नाते स्वयं का बचाव करते हुए हमें दूसरों को बचाने का रास्ता निकालना होगा, लेकिन उस सब के बावजूद अगर एक टीम वर्क है उस टीम वर्क के परिणाम ही सामने आने चाहिए। देखिए मैं इस बात को जानता हूं कि जितने भी
एपिडेमिक तो आपके सामने आएंगे। इसमें अगर आप सर्वनाश बेहतर नहीं रखेंगे तो परिणाम कभी भी आपके पक्ष में नहीं आएगा। और मैं बार बार इसीलिए इस बात को बोलता रहा हूं कि बेहतर सर्वनाश से बेहतर रिजल्ट आपको दे सकता है वो जनपद है जिनकी मृत्यु दर काफी ज्यादा है और बढ़ती जा रही है, खासतौर पर कानपुर है, लखनऊ है, प्रयागराज है, वाराणसी, गोरखपुर, बस्ती, बरेली, ऐसे जनपद है जहां पर जो मृत्यु दर है लगातार एक खतरनाक ट्रेंड की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करती है। तो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर सबसे पहला हर एक जनपद में होना, और इसके लिए प्रतिदिन शासन स्तर पर हम लोग समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन सबके बावजूद शिकायतें आ रही हैं।